आपने पहली नजर का प्यार सुना होगा, लेकिन कभी सुना है कि पहले प्लेबैक में प्यार? कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने एलजी की SP8A को पहली बार सुना। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी पहले के फेवरेट्स हैं वो सब खत्म, क्योंकि ये साउंड बार अब मेरी नई फेवरेट है। एलजी की 3.1.2 डॉल्बी एटमोस साउंड बार को आज मैं ट्रू व्यू कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि क्यों ये मेरी नई फेवरेट साउंड बार है और मैं इसे बेहद मोहब्बत करता हूं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं और मुझे आपको बताना बेहद जरूरी भी है कि एलजी की इस साउंड बार को मैंने खुद खरीदा है। एलजी वालों ने मुझे नहीं भेजा कि लो भाई विनीत इसका वीडियो बना दो, नहीं ऐसा नहीं है, और ना ही मैंने उनसे कोई पैसे लिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे खरीदा। और ये साउंड बार क्यों सबसे ज्यादा अच्छी है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स खुल के बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको सच बोल देता हूँ कि इस साउंड बार में कोई कॉन है नहीं, लेकिन फिर भी प्रोज क्या है, उनकी डिटेल क्या है और क्यों ये मेरी फेवरेट साउंड बार है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में पहले बताता हूँ जो कि बेहद शानदार है, क्योंकि ये साउंड बार बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। और इसमें जो सामने की तरफ आपको मेटल ग्रिल देखने को मिलती है वो तो अच्छी है ही, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रश्ड मैट टेक्सचर दिया गया है प्लास्टिक का वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। साउंड बार के टॉप पे आपको टच कैपेसिटिव बटन्स भी मिलेंगे और दो माइक्रोफोन होल्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करती है। एंड यस, ये फार फील्ड माइक्रोफोन्स हैं। और पीछे की तरफ आपको सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलती है, जिसमें एक HDMI EARC 2.1 पोर्ट है, एक HDMI इन पोर्ट है, एक ऑप्टिकल पोर्ट है, और ये साउंड बार ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट के साथ आती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं टीवी के स्पेक्स बता रहा हूं या फिर साउंड बार के। एक्चुअली में ये इतनी ज्यादा फीचर रिच साउंड बार है दैट मैं आपको बताता जाऊंगा और आप थक जाएंगे उसे सुनते हुए, लेकिन इसके फीचर्स खत्म नहीं होंगे। बहरहाल आपको पहले यह बताऊं कि इस साउंड बार के अंदर आपको 3.2 चैनल सपोर्ट मिलती है, तीन ड्राइवर्स आगे और दो ड्राइवर्स ऊपर, यू नो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स, एंड दे आर द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार। और इस साउंड बार के मैजिक को चार गुना बढ़ाता है ये वायरलेस सबवूफर, और मैंने आज की डेट तक ऐसा इस रेंज में आने वाला सबवूफर नहीं देखा जिससे आपको ऐसी बेस मिलती हो जो मैं आपको ऑडियो फाइल्स में सुना रहा हूं। ऑडियो फाइल्स, मैंने इस साउंड बार से सभी टाइप के गाने को रिकॉर्ड किया, उसे अपने ड्राइव पे अपलोड किया और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप उन गानों को सुन सकें और ये एहसास कर पाएं कि ये साउंड बार कैसा मैजिक क्रिएट कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, आपको उन ऑडियो फाइल्स को सबसे पहले सुनना चाहिए और उसमें गाना सुनिए हाइड यू, ये सॉन्ग को सुनिए, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ मीनिंग, लेकिन उससे पहले आपको एक ऑडियो टेस्ट यहीं सुनाता हूँ, सुनिए। You are for one night, living life means making blunders. It can make you shake, you will try to fight the thunder. Trust me, no matter what happens, because I will stay by your side in your whatever happens. Aaya maza? आपको समझ में आया कि बेस किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एक्चुअल बेस, इसे कहते हैं बेस के अंदर रिपल्स आना, इसे कहते हैं लेयर्स के अंदर आपको बेस सुनाई देना। ये बेस इतनी ज्यादा मैजिकल है कि जब आप इसे सामने खड़े होके इस साउंड बार से सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये हुआ क्या है, मेरे कानों में अलग अलग तरीके की बेस कैसे आ रही है, मुझे अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन कैसे हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर अलग और लिप्स तक अलग वाइब्रेशन कैसे आ रही है, और उसी के साथ आपको जो ये वोकल सुनाई दे रहे हैं ये इतने डायरेक्ट कैसे हैं, इतने ज्यादा क्रिस्प और इतने क्लियर कैसे हैं। यही मैजिक है इस साउंड बार का, और ये मैजिक करा है एलजी की साउंड बार में मेरिडियन ऑडियो ने। एलजी का एक टाई अप है मेरिडियन ऑडियो के साथ, एंड जिन लोगों को ये बात नहीं पता, सॉरी यार आपको नहीं पता, बट एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए था कि मेरिडियन ऑडियो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ऑडियो ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। इस ब्रांड की एसोसिएशन एलजी के साथ है और ये साउंड बार की ऑडियो ट्यूनिंग
उन्होंने ही करी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नथिंग लेस देन द बेस्ट साउंड बार इन इंडिया। मैं आपको इस साउंड बार के बारे में थोड़ा और समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले ऑडियो वीडियो टेस्ट भी देखें और सुने। उसमें थोड़ी सी क्लिप से आपको मैं अंदाजा जो दे पाऊंगा वो मैं बताऊंगा, और आप ऑडियो फाइल्स को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही ऑडियो वीडियो टेस्ट को हमने रिकॉर्ड करके आपको ऑडियो फाइल्स में दिया है। पहले आप इसे यहाँ पे सुनिए। अब आपको बताता हूँ ये मैजिक हुआ कैसे। इस साउंड बार के अंदर आपको तीन फ्रंट ड्राइवर्स मिलते हैं, एक्चुअली में दो फ्रंट और एक सेंटर ड्राइवर मिलता है। वो तीनों 40-40 वॉट के हैं। ये जो सेंटर ड्राइवर है ये पर्टिकुलरली आपको डायलॉग्स यानी मिड नोट्स की डिलीवरी के लिए है, लेकिन ये जो ऊपर टॉप फायरिंग 50 वॉट के ड्राइवर्स हैं, यानी 50-50 वॉट के ड्राइवर्स हैं, ये कर रहे हैं मैजिक। ये एक ऐसा मैजिक कर रहे हैं जो आपको सराउंड दे रहा है। ये सराउंड चैनल्स नहीं है, ये डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है, लेकिन ये सराउंड चैनल्स नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं इन्हें सराउंड चैनल्स ही बोलूंगा, क्योंकि ये जो 50 वॉट के ड्राइवर्स आपको फ्रीक्वेंसी प्ले करके सुना रहे हैं, ये सराउंड फ्रीक्वेंसी है। वो टकराती है सीलिंग से और उसके बाद आपके कानों तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में आ जाती है, और आपको एक सराउंड का, एक वर्चुअल सराउंड का एहसास होता है। Now that is added with the layers of bass जो आपको इस सबवूफर से मिलती है। ये जो रिपल्स हैं, ये जो तरंगे हैं आपको बेस की जो सुनाई देती हैं, ये तरंगों का जो मजा है, ये आपको किसी भी इस रेंज के, छोड़िए इससे डबल रेंज के प्रोडक्ट में भी नहीं मिल सकता। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये तरंगे या फिर ये रिपल्स जो है बेस की, इसे निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट के ट्यूनिंग डिपार्टमेंट के लिए, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ एफर्ट कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से ट्यून करा जाए तो आपको ये अलग सुनाई दे, और इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को किस तरह से ट्यून करा जाए जो आपको वो अलग सुनाई दे, ये इसमें हो रहा है। इससे बनती हैं रिपल्स, इससे बनती हैं लेयर्स, और वो लेयर्स कितनी प्लीजिंग होती हैं आपके कानों को और आपकी बॉडी को, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन जो ये क्रिएट करती हैं इसकी बेस, वो सिंपली एक आउट ऑफ द वर्ल्ड इमेजिनेटिव काइंड ऑफ यू नो एक्सपीरियंस है, जो कि मैं रियल अपने सामने अपने कानों से सुन रहा हूं। इस साउंड बार से डॉल्बी एटमॉस को अचीव करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपके टीवी के अंदर या तो HDMI 2.1 EARC पोर्ट होना चाहिए, या फिर वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करने वाला HDMI ARC के साथ आने वाला टीवी होना चाहिए। उससे जब आप इस साउंड बार को HDMI 2.1 EARC पोर्ट जो इस साउंड बार में है उससे कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट द डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू, यू नो यू कैन कॉल इट पास थ्रू आल्सो, या फिर आप डीकोडिंग कह सकते हैं कि डीकोडिंग आपको एटमॉस की मिल जाएगी। नाउ द बेटर पार्ट इज कि इसके अलावा भी इस साउंड बार में बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं ऑडियो को और डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको पहले इस साउंड बार के और फीचर्स बताता हूं। इस साउंड बार के अंदर आपको HDMI इन पोर्ट भी मिलता है, लेकिन जो इससे बड़ी बात है कि वो एक इनक्रेडिबल पोर्ट है। वो HDMI इन का नाम मैंने इनक्रेडिबल इसलिए दिया क्योंकि उससे ना सिर्फ आपको HDR पास थ्रू मिलेगा, आपको HDR 10 पास थ्रू भी मिलेगा, आपको डॉल्बी विजन पास थ्रू भी मिलेगा, और आपको HDR 10 प्लस पास थ्रू भी मिलेगा, विच आई हैव नॉट सीन इन एनी साउंड बार ऑफ लेस देन लेट्स से 2.5 lakh rupees। मेरा मतलब है होम थिएटर्स अप टू 2.5 lakh rupees सपोर्ट दीज काइंड ऑफ फीचर्स जो आपको इस साउंड बार के अंदर मिल रहे हैं, एंड दे आर इनक्रेडिबल। जब हमने इस HDMI इनक्रेडिबल पोर्ट से फायर स्टिक 4K को लगाया, और उससे जब फायर OS में हमने HDR कैपेबिलिटीज को चेक करना चाहा तो हमें HDR 10 प्लस पास थ्रू दिखा, और जब हमने उसी फायर स्टिक से नेटफ्लिक्स को चला के हमने डॉल्बी विजन को चेक करा तो हमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों हमें स्क्रीन पे दिखे, एंड दैट वाज सो प्लीजिंग टू माय आई। वीडियो फॉर्मेट की तो सपोर्ट हो गई, लेकिन अब आप लिखते जाइए कि कितने ऑडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट आपको इस साउंड बार से मिलती है।
डॉल्बी एटमोस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी डिजिटल सराउंड, DTS X, DTS HD, मतलब ये कोई फॉर्मेट छोड़ा ही नहीं इन्होंने, और इन्होंने कहा कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट साउंड बार बनाओ, एंड दैट इज व्हाट यू गेट इन LG SP8A Meridian साउंड बार, एंड ये 3.1.2 साउंड बार हैज बिकम माई न्यू फेवरेट फॉर मल्टीपल reasons, और उनमें से एक रीजन ये भी है कि इसमें आपको एप्पल एयरप्ले 2 और क्रोमकास्ट की भी सपोर्ट मिलेगी, आप स्पॉटिफाई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इस साउंड बार से. What else do you need? एक साउंड बार में आपको और कौन सा फीचर चाहिए? डुअल बैंड वाईफाई भी है जिससे आप ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर पाएंगे. लेकिन अब हम रियल ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं. इस साउंड बार के अंदर टोटल आपको 3 और 2 ऊपर और 2 ट्वीटर्स, यानी 5 ड्राइवर्स और 2 सिल्क डोम ट्वीटर्स मिलते हैं, जिनकी वजह से जो आपको ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलती है दैट इज ट्रूली मैग्निफिसेंट टू से द लीस्ट. क्योंकि आपको जब किसी सॉन्ग को सुनना है तो आपको उस ऑडियो क्वालिटी को एग्जैक्ट वैसा ही फील करना है जैसे उस कंपोजर ने कंपोज किया था, वो आपको इस साउंड बार से अचीवेबल है. उसका कारण, क्योंकि ये साउंड बार सराउंड फ्रीक्वेंसीज को इन सराउंड चैनल्स से, मैंने बोल दिया ना सराउंड चैनल्स, ये एक्चुअली में सराउंड चैनल्स है नहीं, लेकिन ये अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स सराउंड चैनल्स की तरह काम करते हैं, एंड यस दे आर डूइंग द मैजिक. ये बहुत जबरदस्त एक वर्चुअल सराउंड क्रिएट करते हैं जिससे आपको एक अलग ही साउंड स्टेज मिलता है. आपको लगता है कि ये सामने से आवाज आ तो रही है लेकिन एक थिएटर लाइक फीलिंग मिलती है. दो हम किसी भी सॉन्ग के अंदर सराउंड में सुनना पसंद नहीं करते, ये हमारा बेसिक नेचर है, बेसिक कानों की प्रॉपर्टी है, बट ये सराउंड आपको बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी. आपको इससे सुन के मजा आएगा क्योंकि आपको एक स्टेज वाली फीलिंग आएगी, एक बहुत बढ़िया स्टेज क्रिएट होगा इस साउंड बार से, एंड वो आपको बहुत बेहतरीन सुनाई देगा. उसके साथ जब ये मैजिक करता है सबवूफर, ये इसका मैजिक तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कैसा साउंड बार में मैजिक होता है. आपको पर्टिकुलरली एक सॉन्ग सुनना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, उसका नाम है हाइड यू. ये आपको फाइल्स में मिलेगा और उस सॉन्ग की आपको खासियत बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि ये सराउंड चैनल्स यानी ये अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स कैसे काम करते हैं. हाइडियो सॉन्ग की एक सिग्नेचर ट्यून है और वो सॉन्ग शुरू होता है उस सिग्नेचर ट्यून के बजने से डेप्थ में. आपको अगर डेप्थ का मतलब नहीं पता तो शॉर्ट में बताता हूँ. मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपका एक गिटारिस्ट है जो 20 फीट पीछे खड़ा है और वो गिटार बजा रहा है. एक आदमी जो आपके सामने खड़ा है उसको आपकी आवाज थोड़ी नजदीक से सुनाई देगी लेकिन उस गिटारिस्ट की डेप्थ में सुनाई देगी, यानी 20 फीट पीछे से सुनाई देगी. तो वो जो डेप्थ है वहां से वो सिग्नेचर ट्यून शुरू होती है हाइड यू सॉन्ग में. आप उसे सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे. पहली चीज तो यही अच्छी है साउंड बार की कि आपको डेप्थ की आपके कानों को रियलाइजेशन होगी. दूसरी चीज, वो सॉन्ग के अंदर ही वो सिग्नेचर ट्यून डेप्थ से फॉरवर्ड आती है और जो प्लेबैक है यानी जो वोकल्स हैं वो फॉरवर्ड से डेप्थ में जाते हैं. और ये फर्क अगर कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट ढंग से प्ले करके आपको सुना पाए तो यहीं पे वो प्रोडक्ट बेस्ट कहा जा सकता है, जो कि ये साउंड बार है. दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी डेप्थ में ऑडियो आएगी, चाहे वो सिग्नेचर टोन हो या फिर वो वोकल्स हो, वो कहां से प्ले होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस साउंड बार में वो सराउंड चैनल्स यानी अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर से प्ले हो रही हैं, एंड ये जो फ्रीक्वेंसीज प्ले होने के बाद सीलिंग से टकरा के आपके कानों तक पहुंचती है और जो वर्चुअल सराउंड का मैजिक क्रिएट करती है, उससे आपको ना सिर्फ डेप्थ बहुत अच्छे से कानों को समझ में आती है, आपको उसका एक अलग ही लेवल का मजा आता है जो मैं इस साउंड बार में आई जस्ट लव इट. थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो प्रोडक्ट्स जेन्युइनली अच्छे होते हैं उनके लिए मैं ऑटोमेटिकली इमोशनल हो जाता हूँ बिकॉज आई जस्ट लव टेक्नोलॉजी एंड दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइनली वेरी गुड. अब आपको बताता हूँ इसका प्राइस, प्रोज और कॉन्स, और इसको कंपेयर करता हूँ दूसरी साउंड बार्स के साथ ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स का एंड इसी वीडियो में हो जाए.
LG SP8A 30,000 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करने वाली साउंड बार है और मेरे हिसाब से ये एक फैंटास्टिक प्राइस पे अवेलेबल है। मैंने इसे Amazon से ख़रीदा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो मेरा अफिलिएट लिंक है, लेकिन प्लीज़ उसे यूज़ करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा। इस चैनल की फाइनेंशियल बहुत मदद होती है जिससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने की हिम्मत और पैसे दोनों जोड़ पाते हैं और आपको एक जेन्युइनली ट्रू व्यू दिखा पाता हूँ और बता पाता हूँ कि ये इतना शानदार प्रोडक्ट है और ये पॉपुलर नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाई, क्यों लोगों को पता नहीं है कि LG की मेरिडियन साउंड बार इज जस्ट सो गुड। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, मैं जेन्युइनली आपको बताता हूं कि इस साउंड बार के अंदर एक भी कॉन नहीं है जो मैं ढूंढ पाया, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि ये खराब है या ये थोड़ा इंप्रूव होती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे कौन सी ऐसी चीज है, इतनी जबरदस्त फीचर रिच साउंड बार है। इसके अंदर आपको HDMI EARC 2.1 पोर्ट मिलता है, आपको डॉल्बी एटमोस की जो ऑडियो मिलती है वो जबरदस्त है। मतलब आपको जो वर्चुअल सराउंड सुनने को मिलेगी, जो ये अपवर्ड फायरिंग सराउंड चैनल ड्राइवर्स, ये जो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स हैं ये सराउंड चैनल का काम करते हैं। मेरे लिए दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, क्योंकि मैं एक्चुअली चूज ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसे बेस्ट पार्ट बोलूँ या सबवूफर को बेस्ट पार्ट बोलूँ, क्योंकि ये जो रिपल्स के साथ मुझे बेस सुनाता है, जो लेयर्स मिलती हैं मुझे बेस की, ये जो मुझे एक्चुअल प्रॉपर बेस को भी शायद ये बीट करता है, और ये जो रिपल्स हैं ये मेरे लिए एक अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस है जो शायद मैंने 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट के अंदर ही करा था। और ये 30,000 रुपीज़ के अंदर साउंड बार अवेलेबल है। मेरे हिसाब से जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, इट इज़ अ डर्ट चीप प्राइस फॉर दिस साउंड बार एंड वन मस्ट रन एंड बाय इट, क्योंकि ये इतनी शानदार और इतनी केपेबल साउंड बार है दैट आई पर्सनली डिसाइडेड कि मैं इसे अपने घर में लगाऊंगा और मुझे इतनी पसंद आई है साउंड बार दैट आई हैव नो वर्ड्स टू से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ दिस साउंड बार विद यामाहा YS-209। यामाहा इसकी आधी भी नहीं है, उसके अंदर बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको मिलती है, बट LG इज अ क्लियर विनर हियर इन दिस कॉम्पिटिशन। लेट अस कंपेयर इट विद सैमसंग साउंड बार्स। सैमसंग इज नॉट इवन हाफ वेयर LG इज। बहुत जबरदस्त साउंड बार है LG और सैमसंग उसके आगे बिल्कुल कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपको अगर सोनी के साथ कंपेयर करना है देन यू डोंट नो अबाउट ऑडियो, सोनी का इसके साथ कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आई डोंट रिमेंबर एनी साउंड बार 30,000, 40,000, 50,000 रुपीज के अंदर भी जो इस साउंड बार के साथ कंपेयर करी जा सके और इसकी ऑडियो क्वालिटी को, इसकी वर्चुअल सराउंड एक्सपीरियंस को, इसकी डॉल्बी एटमोस कैपेबिलिटीज को या फिर इसकी बेस को कंपेयर कर सके। एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस साउंड बार। शायद मैं अपनी एक्साइटमेंट में आपको ये बताना ही भूल गया कि इस साउंड बार के अंदर आपको ये रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है। LG के जो TVs होते हैं उसमें जो मैजिक रिमोट आता है, कुछ कुछ उसी शेप का ये रिमोट कंट्रोल है। इट इज़ गुड, बट किसका ध्यान जाता है रिमोट कंट्रोल पे जब ऑडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा शानदार हो। कैसी लगी आपको ऑडियो क्वालिटी ऑडियो फाइल्स में और कैसा लगा ये वाला वीडियो, ये बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस जो इस वीडियो को देखने के बाद अराइज होने थे उन सब का आंसर इसी वीडियो में कर दिया है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछिए, क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूँ इस साउंड बार से कि मैं आप सभी का जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।